प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार, मनोविज्ञान अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, पाठ संख्या टॉपिक संख्या 10 है। तो सबसे पहले प्रश्न आपके मन में उठेगा कि मनोवैज्ञानिक विकार क्या है। मनोवैज्ञानिक विकार क्या है? तो मनोवैज्ञानिक विकार कहे तब, चाहे मनोवैज्ञानिक रोग कहे तब, दोनों में कोई अंतर? बड़ी आसान उत्तर है अगर थोड़ा सा आईक्यू लगा लेते हैं तो। मनोवैज्ञानिक माने मन से, विकार माने कुछ ऐसी बीमारी है जो बीमारी आपके मन से उत्पन्न होता है, नहीं वह रोग जिसका मूल कारण आपका मन है, आप चाहते हैं कि यह रोग हमें हो, इसलिए वह रोग आपके ऊपर क्या होता है, प्रभावित होता है, हावी होता है। तो ऐसे रोग को हम क्या कहेंगे, मनोवैज्ञानिक विकार या मनोवैज्ञानिक रोग। दो अंक का अगर प्रश्न करें तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं मनोवैज्ञानिक विकार क्या है। तो आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक विकार, मनोवैज्ञानिक रोग उस रोग को कहते हैं जो रोग हमारे मन से उत्पन्न होता है, मन में जो कुछ उथल पुथल चल रहा है उस उथल पुथल पर हम और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो रोग तो होगा, गलत कि सही। तो ऐसे रोग को क्या कहेंगे, मनोवैज्ञानिक रोग के नाम से जानते हैं। अब देखिए सर, प्रमुख माने कुछ ऐसा रोग है जिसको विद्वानों ने मनोवैज्ञानिक रोग नाम दिया है, इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे काय रूप विकार। कौन रूप? अगले कारो बैठ जा। काय रूप विकार, तो एक बात आप लोग जानते हैं कि काया का मतलब शरीर होता है, तो काय मतलब क्या होता है, अरूप मन डिजाइन आकार। आपके बॉडी की जो बनावट है वह बॉडी की बनावट भी कई बार आपको रोगी महसूस करा देता है, नहीं बहुत ज्यादा हेवी आपका शरीर हो गया, आपके मन में आएगा कितना मोटे हो गए, उठने बैठने काम करने परेशानी होती है, कई बार दुबले पतले हो गए, नहीं यह भी आपके लिए हानिकारक है, कई बार बहुत लंबे हो गए, चारे में ठका ठक ठका ठक माता को ठोक रहा है, यह भी हानिकारक है। और कई बार इतने छोटे हो गए कि घर की मार का छिटके लिए लगाने के लिए कूदना पड़ता है, स्टूल लगाना पड़ता है। तो इन बातों से आपके मन में हीनता आती है कि नहीं आती? देखो मनोवैज्ञानिक रोग का कई रूप है, इसमें हीनता भी कारण है, अपने अंदर निगेटिव विचारधारा को बताने दो, नहीं नकारात्मक विचारधारा, अपने जीवन में सफल होना है तो निगेटिव विचार और निगेटिव लोग से क्या रहो, दूर रहो, नहीं क्योंकि जो व्यक्ति निगेटिव विचार रखते हैं वो खुद जीवन में कुछ नहीं किया और तुमको भी गारंटी कुछ करने उड़ने नहीं देगा। हमेशा वैसे लोगों की संगति में रहो जो सकारात्मक सोच वाले हो, सकारात्मक विचार रखते हो, गलत कि सही? क्योंकि सकारात्मक सोच विचार वाले लोग आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। तो प्रश्न है काय रूप विकार मतलब आपका जो शरीर है उन शरीर या तो बहुत मोटा होगा, बहुत पतला होगा, बहुत लंबा होगा, बहुत छोटा होगा, या शरीर का कोई अंग आपका टेटर हो गया है और उसके कारण आपके मन में क्या हो गई, हीनता आ गई, अरे हम तो इसम से कम ना होगा, वो एक बीमारी हो गया, उसी बीमारी को क्या कहेंगे, काय रूप विकार। लक्षण कुछ दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी आप महसूस करते कि ना हाँ मैं अंदर अवगुण है, खुद ही को मान लेते हैं, तो ऐसे बीमारी को क्या कहेंगे, काय रूप विकार के नाम से। अब कहे सर काय रूप विकार में आएगा कौन कौन, तक काय रूप विकार के कई रूप हैं। पहला है परिवर्तन विकार, क्या है, परिवर्तन विकार। दूसरा कौन है, काय आलंबिता विकार, काय
आलम विता विकार, तीसरा कौन है पीरा विकार, पीरा विकार, और चौथा कौन है स्वकाय, हाँ दुश्चिंता विकार। आइए ध्यान दीजिए, एक प्रश्न तो आ गया, आपके शरीर के संरचना के कारण आपके बॉडी की जो बनावट है अपने हाथ में है कौनों के, कितना लोग तो कुछ ना बहुत कम खाता है, रुकी सुखी खाता है फिर भी तगड़ा दे रहा था, आप कुछ लोग गेहूं पियाते रहो काजू किशमिश खिलाते रहो ना, पंपो से आप हमारे तो देह मोटा हटाने वाला नहीं है, सुखले रहता है भाई, प्रकृति है ऐसी कि जैसा है वैसा के रहेगा, अब गलत की सही, शरीर के संरचना के कारण अगर अपने आप को आप विकार रोगी महसूस करते हैं, दूसरों को क्या कहें काय रूप विकार, और काय रूप विकार में पहला विकार कौन है परिवर्तन विकार, आप कहेंगे परिवर्तन विकार क्या है, अच्छा सभी इंसान के बॉडी में कभी कभी कुछ कमी है, कभी कभी तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कभी सोने जाते हैं सोने में भी तकलीफ होती है, हाँ दम फूलने लगता है, कभी लगता हो कि सीना में दर्द हो रहा है अचानक, तुम्हारे लेफ्ट साइड में हार्ट होता कहीं हार्ट में तो प्रॉब्लम आ गई, नहीं बाथरूम में गए पहले से चिट्ठी लगा हो आप यूरिन त्याग करके आए, हंसता क्या है भाई, ये हंसने की बात है क्या, मैं तमाशा कर रहा हूँ क्या, तुम बाथरूम में नहीं जाता है, जब इंसान है क्या जी, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, अब इसमें हंसने की कोई बात तो है नहीं, मैंने कहा आप बाथरूम में गए सुबह सुबह, हो सकता है कि बारिश के मौसम में चिट्टी पलस लगा हो, आप बाथरूम करके निकले ध्यान दिया अरे चींटी है हमारे यूरिन में शुगर की मात्रा नहीं बढ़ गई, हमको डायबिटीज तो नहीं हो गया, गलत है पहला ही से, अब तुमको लगा हम यूरिन किए हैं पेशाब के उसमें चिट्टी आ गया, मतलब हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ हम डायबिटीज के शिकार खत्म हो गए, इसमें कई बार सोचा जाता है घाव हो गया, कितना दवा खा ले घाव ठीक नहीं हो रहा है, सुनते सुन लिए हैं किसी के मुंह से अरे जगह घाव जल्दी ठीक ना हो ना चिनिया रोग हो रही है, शुगर वाले को जल्दी घाव ठीक नहीं होता है, विज्ञान जैसा विषय है इसको सीरियसली सुनिएगा तो समझ में आएगा, हर बात को ऊपरे ऊपरे लोग लीजिएगा तो आपका परीक्षा में रिजल्ट लोग आ जाएगा, गलत सही, तब परिवर्तन कहता है कि जब व्यक्ति के शरीर के किसी अंग में हानि के कारण, शरीर के किसी अंग में हानि के कारण उसका विचार उसका व्यक्तित्व तो समान लोगों के व्यक्तित्व से क्या हो जाए अलग हो जाए, आपके शरीर में छोटा मोटा कोई परेशानी है उस परेशानी के कारण सामान्य व्यक्ति जैसा सोचता है यदि वैसा आप नहीं सोच पा रहे हो, सामान्य लोग जैसा करता है वैसा आप नहीं कर पा रहे हो तो वो एक रोग है परिवर्तन विकार, मैक्सिमम लड़कियां इस रोग से पीड़ित है, कितना उम्र है तुम्हारा 17 साल, कै गो रोटी खाती, अच्छा चावल खाते, हाँ एक रोटी अच्छा नहीं लगता है तू खड़ी हो, कितनी रोटी खाती है, हाँ यू भाते खाती है, सिट डाउन रोटी अच्छा नहीं लगता सिट डाउन, हाँ चलो कोई बात नहीं 200 ग्राम चावल के भात खा लेती होगी, नहीं खाते देह से लग रहा है, इसकी मम्मी हवा बिहार में घर से निकलने नहीं देती, प्रश्न ये है कि कोई इंसान व्यक्ति होगा थोड़ा हेवी शरीर का है भोजन कम कर देगा, लगता है कि ऐसा होने से और रोग क्या हो जाएगा, उसे क्या करने हैं परिवर्तन विकार, दूसरा कौन है काय आलंबिता विकार, क्या है देखिए शरीर में कोई रोग है ना, मैं कहता गांव में सुख रोग एक ना थैले कौन रोग, हाँ सुख रोग, रियल में उसके शरीर में कोई रोग नहीं है,
गांव के क्वैक से लेकर दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर से देखा लिया, पूरा बॉडी का होल चेक करा लिया, कुछ छोड़ोगे लेकिन ना नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते जो महसूस करता हूँ नहीं हो डॉक्टर में नहीं बनता, दवा डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पा रही, ऐसे लोग से करके मुलाकात हुई होगी आप नहीं, सब डॉक्टर से देख लिया, सबका दवा खा लिया, हर प्रकार का टेस्ट करा लिया, लेकिन फिर भी अपने आप को हम बीमार महसूस करता है कि नहीं हमारा अंदर ये भी कष्ट है, रोग है, तो ऐसे विकार को क्या कहोगे, काय लंबिता। ऐसा कुछ नहीं होता है, या तो उसको गैस की समस्या होगी, शरीर के किसी अंग में दर्द होगा, या माथा दर्द महसूस करेगा, थकान महसूस करेगा, या तो काम नहीं करेगा, थकान तो होगी करेगा, कहो ना गांव वाला लोग डायबिटीज के शिकार हो, कौन जो खेती बाड़ी करता है कोदारी चलाता है, गलत सही, आज इतना बिजनेसमैन बैठा होगा तो गैस की बीमारी हो गई, नगारा आगे रहे करेगा, उससे आगे उसका पेट दौड़ता है, पैरों कर पीछे रहता है, पेट होकर आगे रहता है, एक्सरसाइज करेगा नहीं। गांव में जिम देखे हैं आप लोग, प्रणमा गांव में जिम खुलल है, अरे सरकारी फंड बना दिया है, मुखिया वाला फंड से बना दिया, चलो गांव में रहेगा, लेकिन गांव में तो कोदारी जिम है, लोग कहां पर कोदारी रखा, घोड़े पर चार कठा आड़ी को छोड़ा दिया, क्या जी एक बार ऐसे झुक गया धान के खेत में से खरपतवार निकालने के लिए, तो पेट में टेंशन में जी रहा है, ये दौर अपने अंदर चलिए जाएगा, गलत की सही। पहले के लोग जमीन पर पीढ़ा रख के ये करते थे, या ऐसे ही बैठ के भोजन करते थे, आज तो डाइनिंग टेबल बन गया है, खाली ऊपर बैठने स्थान नीचा है, अब पेट तो खाली आगे बढ़ने के लिए जगह मिल ही रहा है, तो गुब्बारा की तो फैल भी करेगा ना, वो क्या पालथी मार के बैठ के भोजन कर रहा है, दबा हुआ है थोड़ा सा, आज के निकलने का मौका नहीं दे रहा है, तो ऐसे भी कार को क्या कहेंगे, कुछ रोग है नहीं, लेकिन फिर भी शरीर के किसी न किसी अंग में थकान हो, चाहे दर्द हो, चाहे पीड़ा महसूस करेगा, ऐसे विकार को क्या कहेंगे, काय लंबिता विकार, उसको कहते हैं पीड़ा विकार, क्या है, कुछ लोग ऐसे जो खानदानी होते हैं, हाँ बचपन से लेकर बचपन तक है, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा अनुभव है कुछ नहीं उसके पास, हमेशा महसूस करता है कि हमारे बॉडी में क्या थकान है, पीड़ा है, दो चार गोले क्या मिलेगी, पोता पोती जिन्हें रहेगा पर गोर हाथ को दबाने के प्रयास करता रहता है, तो वो रोग है नहीं रियल में, हाँ हमेशा वो अपने आप को पीड़ा में महसूस कुछ करे चाहे, परंतु क्या है स्वकाय दुश्चिंता, कई बार इंसान अपने कार्य से चिंता में आ जाता है, हमने काम कर दिया नहीं कर लिया, जैसे कई बार के रोग था जाके रसगुल्ला फिर मिला था दबा दिए 50 लोगों का, चीनी तो बढ़वे ना करते क्या जी, अपने एक्टिविटी के कारण आपको चिंता हो जाएगी, कुछ आपने ऐसा हरकत कर लिया, कुछ काम ऐसा कर लिया, उस काम से आपको क्या हो गई परेशानी हो गई, ऐसा कभी हुआ है कि दिन में जो काम आपने किया रात उसके लिए नींद ना रही हो, किसको किसको हुआ है, आपने दिन में जो काम किया उस काम के कारण रात में आपको नींद नहीं आती है, ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ, कई लोगों को हुआ है ना बताएगा हुआ है, तो स्वयं काम किए थे, आपके पापा ने कहा था करने के लिए, आपके माता जी ने कहा था, नहीं मैंने कहा था, आपने खुद किया, तो खुद के कार्यों के कारण चिंता होगी ना। देखो भोजन पकाने के 3 विधियां हैं, भोजन पकाने की कितनी विधियां हैं, तल कर, सेक कर और भाप कर, स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है तला हुआ भोजन, लेकिन भाप विधि से बनाया गया और सेक कर बनाया गया सबसे बढ़िया है, स्वास्थ्य आपका घर बनाएगा नहीं, जो भोजन जिह्वा को स्वादिष्ट लगता है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और जो भोजन जिह्वा को स्वादिष्ट नहीं लगता है वह स्वास्थ्य के लिए क्या है, हरदिन सिंघाड़ा खाइएगा होटल में जाके, कभी कभी खाने होटल हरदिन के लिए नहीं है, कभी कभी के लिए हरदिन खाइएगा तो कोई ना कोई रोग आपको पकड़ में करेगा, क्योंकि होटल जो ना दिन खुलता है ना वही दिन कराही चढ़ता है, तेल धराता है,
नहीं वही तेल कंड नहीं चलता, बाद में तेल वही चेंज नहीं होता। हाँ दिवाली होली में एकाल पर कहीं धोआता है, बाकी धोआता भी है, कौन धोने जाएगा, वही में हर दिन छना रहा है, खुद वजरिंग खुद ही करेगा उसको। अब कहिएगा तो काय रूप, इनमें कौन काय रूप विकार है, अपस्तुलिस में डालेगा यहाँ पर, याद रखिएगा। काय रूप विकार कै गो है, चार गो है, दो जगह ऑप्शन मिलेगा, दो गो बात रहेगा, तो याद रखो कहीं पर ऑप्शन ये रहेगा तो यो सही है, कहीं पर ऑप्शन ये रहेगा यो। तो काय रूप विकार के कितने रूप है, क्या नाम है, काय लंबिता विकार, पीड़ा विकार और दो नंबर में पूछ लिख देगा कि काय रूप विकार क्या है, इनके प्रकारों का नाम लिखे, परिभाषा दो, चारों का नाम लिख दो। दूसरा है दुश्चिंता विकार, दूसरा कौन है, ठीक है, दुश्चिंता विकार, दुश्चिंता मतलब बुरी चिंता। ऐसा कोई इंसान है जिसको चिंता नहीं हो, सबसे सीधा आप लोगों को है कथी के परीक्षा के दुश्चिंता, अन्य बात का हो चाहे ईमानदारी से ना पढ़े हैं, पापा जी आके बैठ के पढ़ते हैं, और टेंशन है, कोई प्रश्न पूछो तो का हिसाब ना है, कई बड़े भैया पढ़े लिखे ज्यादा हैं, वो घर पर आके तो टेंशन में जीते, क्या कहा जाए, सही बात है ना, हाँ टेंशन में जीते हैं आप लोग। तो दुश्चिंता विकार एक मनोवैज्ञानिक विकार है, हर इंसान के मन में किसी न किसी कारण से डर उत्पन्न होता है, या हर किसी न किसी कारण का क्या होता है, डर होता है, होता है कि नहीं होता, उस डर के कारण आपके मन में निरंतर चिंता बनी रहती है। जैसे आप सबके मम्मी विद्यालय कोचिंग पढ़ने आए थे, विद्यालय पढ़ने जाती हैं, तो आप लोगों के मम्मी के मन में हमेशा, पापा के मन में हमेशा कुछ ना कुछ डर बना रहता है, केना गेल है, केना आता है, कैसे होगे वहां पर, और ज्यादा वो चिंता करे तो बीमार पड़ जाएगी, वो जो होगा सो देखा जाए, कोई बात नहीं। तो अधिक चिंतन करने से, अधिक लगातार चिंतन करने से, अधिक चिंतन करने से, बार बार किसी घटना का पुनरावलोकन करने से आपके रोग हो जाता है ना, कहता ही है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, आगे भी बोल दो, हाँ धर्म की ये धन ना घटे, कह गए दास। तो बाकी बात हमको लाल से लेना नहीं, हमको लेना ये कि चिंता से चतुराई घटे, चिंता करोगे तो आपकी जो बुद्धि है, चतुराई माने बुद्धि क्या हो जाएगी, और चिंतन करोगे तो क्या होगी, बढ़ेगी, चिंतन करने से चतुराई क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन चिंता करने से चतुराई क्या होती है, घटती है, कम होती है। तो प्रश्न कहता है दुश्चिंता विकार क्या है, तो कहता है दुश्चिंता विकार एक मनोवैज्ञानिक विकार है, मनोवैज्ञानिक रोग है, अत्यधिक चिंतन के कारण, नहीं लगातार चिंतन के कारण हमारे मन में या हमारे बॉडी में, हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार का रोग हो जाता है, उसी रोग को हम कहते हैं दुश्चिंता। लेकिन याद रखिएगा दुश्चिंता विकार में चिंता का कोई दिशा नहीं होता है, अनायास चिंता कर लेते हैं, न चिंता की कोई दिशा होती है न कोई दशा होती है, लेकिन फिर भी चिंतन कर रहे हैं, एक बीमारी हो जाएगा आपके बॉडी में, उस बीमारी को क्या कहोगे, दुश्चिंता विकार के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न है किसानी दुश्चिंता का कारण क्या होगा, हर रोग का कोई ना कोई कारण होता है, जैसे काय रूप का शरीर का लंबा पतला मैंने पहले कह दिया, मोटा छोटा होना। तो प्रश्न है दुश्चिंता के कारण क्या है, तो पहला बात होगा चिंता उत्पन्न करने वाला निर्णय, पहला क्या होगा, चिंता उत्पन्न करने वाला निर्णय, मतलब आप ऐसा डिसीजन ले लिए हैं जो ना चिंता हो भी करेगी। हर इंसान अपने सुख और दुख के लिए इंसान खुद जिम्मेवार होता है, बाप मातारी टीचर समाज कोई दोषी नहीं है, तुम सुखी हो इसके लिए जिम्मेवार तुम खुद हो, तुम किसी समस्या में फंस गए हो इसके लिए भी जिम्मेवार तुम खुद हो, नहीं
उदाहरण मैं आप पर लूंगा, मैं आपको पर, हाँ तो अपन ही उधार लूंगा ना। सभी जानता है फरवरी में क्या है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से कोई टेंशन नहीं होगी, परीक्षा से पता नहीं पहले पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा वो, अब पेपर है जो पढ़ ली उसी को अभ्यास करेगा। आज जो नहीं पढ़े ईमानदारी से 100 टीचर के केस खरीद लेगा वो, गलत किसे आप देखिएगा बाप रे, 100 पढ़े गया कुछ ना पढ़ेगा वो। जहां तक सिलेबस की बात, टाइमिंग की बात, हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमारा सब विषय खत्म हो चुका, लास्ट विषय बचा होगा प्रशासन की बात को तो लोग चलना ही है। अगर होगा तो सीधा मैंने कहा 3 दिन ज्योग्राफी चलेगा, 3 दिन साइकोलॉजी चलेगा, आप 3 दिन आकर अंग्रेजी पढ़ के चल जाना सीधे घर, गलत सही। ऐसे भी करूंगा तो गारंटी है पूरा सितंबर भर में सिलेबस खत्म हो जाएगा, ना हो जाएगा। आज जो टीचर अभी यहां से पॉलिटिकल लटकल है, हमने क्या कहा सितंबर भर बोला हूं, हिंदी अंग्रेजी बनाने पढ़ाया तो हो गया, हम तो कहा सही पढ़ा दूंगा मैं, हम नहीं रिवीजन नहीं, हम ही बढ़िया से पढ़ाएंगे गारंटी है, क्लास में याद करेंगे कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे। तो चिंता उत्पन्न करने वाला निर्णय, परीक्षा है तुम्हारी तैयारी तुम खुद से करना होगा, अमुक चीज खाने से तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, तैयो देख के मोल लगे खाली रबर की तरह मुंह है फिगुरो कुछ बोल दिए अगर समझ लगा तो बुरा लग गया। तो आपके एक्टिविटी के कारण आप जैसा डिसीजन लेने से चिंता उत्पन्न होती है, वो भी रोग का कारण बनेगा। दूसरा कारण होगा निराशा, दूसरा कारण क्या होगा निराशा। ये निराशा होता क्या है, तो आप किसी वस्तु की कामना करके रखे, आपके मन में कोई कामना है कोई इच्छा है और वो इच्छा पूरा नहीं हो पा रहा है, गलत से। जब किसी वस्तु की कामना आपके मन में है, परीक्षा बार बार दे रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा, एक आध नंबर सबका छूट जा रहा है, नहीं आपके अगल बगल जितना था सबको हो गया, आप ही को क्या हुआ नहीं हुआ। तो बार बार आपके मन में कुछ कमी के कारण जो पाना चाहते हो मिल नहीं पा रहा है, जो आपके मन में आशा था, जो आपके मन में इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। तो इच्छा जब पूरा नहीं होगा तो जैसा मन आपका होगा उसी को क्या कहेंगे, मतलब आपके इच्छाओं का पूरा न होना ही क्या कहलाता है। और जहां बार बार निराशा होगी तो आपके मन में चिंता होगा कि ना होगा, क्या फिर हमें कमी क्या है, हमें बुराई क्या है कि हमारा इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, तो रोग हो जाएगा आपके मन में। तीसरा पॉइंट कहता है दमित इच्छा, दमित इस इच्छा को आप बार बार दबाते हैं ना, आपकी कोई इच्छा है आप उस इच्छा को बार बार दबा रहे हो, याद रखिएगा जिस दिन विस्फोट होगा ब्रेन हैमरेज करेगा, कह दो सीधा जिससे कहना है, मम्मी से कहना है, पापा से कहना है, मित्र को कहना है, हमें कहना है कि सर ये आपको गाली देने का मन करता है, कह दो कोई दिक्कत नहीं, न क्रोध होगा ना, हम तो बहुत डांटते हैं नहीं करता है। तो प्रश्न ये है तो आपकी कुछ इच्छाएं हैं और बार बार उसको आप क्या कर रहे हो दबा रहे हो, गलत सही। तो बार बार दबाओगे तो चिंता होगा ना, कहे कि ना कहे तुम्हारा मन जहां बैठोगे ना पढ़ने में मन तुमको क्या होगा ना लगेगा, क्योंकि शरीर वहां है लेकिन ब्रेन दूसरा बात पर। तो बार बार इच्छा को दबा देना भी दुश्चिंता का क्या होता है कारण, और अधिक दुश्चिंता रोग के लिए जिम्मेवार होता है। इसके बाद चौथा अप्रिय इच्छा का विस्फोट, क्या है अप्रिय इच्छा का या इच्छा का विस्फोट। अब कहो कि सर ये अप्रिय, माने ना अप्रिय माने वह इच्छा जो तुम्हारा तुम्हारे लिए अच्छा ना है, ऐसा कई बार होता है आपके लाइफ में, भाई मेरे साथ हुआ इसलिए आपके साथ भी होता होगा, जो चाहते हैं सो ना होता है, जो ना चाहते सो ही होता है ना, उल्टा सीधा। गणित में बड़ा डर लगता था, असंयोग से जीवन में बार बार गणित का समस्या आ रहा है, अंग्रेजी में कमजोर है, अब बार बार कोई प्रश्न करता अंग्रेजी वाला कर देता है, कोई व्यक्ति का चेहरा देखना आपको पसंद नहीं, बार बार चेहरा आ जाता है,
जो सब्जी नहीं बना है मम्मी वही सब्जी बना दी। ऐसा होता है आपके लाइफ में कभी कभी कि ना होता है? होता है। तो कहता है अप्रिय इच्छा का विस्फोट, वह इच्छा वह कामना जो तुम्हारे लिए प्रिय है लेकिन बार बार वही तुम्हारे लाइफ में दखल अंदाजी दे रहा है, नहीं तो चिंता होगा कि ना होगा? देखिएगा ना, जोड़ना और भी एक बार चोट लग गया वही पे बार बार लगे वो ऐसा तो गाँव में करता है लोग करिया का धागा तो पहले हम लोग धूमी की अंगूठी बना के पहन लेते। हमारे जमाने की बात बोल रहा हूँ, हम आपके जमाने के थोड़ी ना है, नहीं 90 के पहले की बात लेके चलो, दूध जानते हैं ना चारा है, उसको लंबा लेके दौड़ के उसको उठा में पहन लिए ठीक हो जाता था। आज तो देख रहे वो कहो तब चाहे फैशन कहो तब लड़का लड़की सब करिया धागा बांध के ऊपर चलता है। पापा के पायल के पैसा बचा दिया, अंगठी का पैसा बचा दिया। नहीं मैं कई को देखा हूँ इसलिए बोला हूँ, हम आपका पर्सनल नाम मैं किसी का लिया हूँ, अब अपने ऊपर ले लोगे तो यो दुश्चिंता का रीजन बनेगा क्या जी? भाई मैं तो सबको मुंह के जान से देखते रहता हूँ, अब तुम्हारे तरफ देख के बोल दे थोड़ी तो तुम्हें को थोड़ी ना बोला हूँ, ये तो मेरा बात सबके लिए होता है ना। तो मेरा कहना है अप्रिय इच्छा वो इच्छा जो तुम्हारे लिए प्रिय नहीं है, गलत सही, यह भी दुश्चिंता का क्या बनता है, कारण बनता है। उसके बाद और भी कारण है, आर्थिक विषमता। क्या है? आर्थिक असमानता। कहने के तात्पर्य है कि आप बहुत गरीबी में जी रहे हैं, गरीबी के कारण आपने मूलभूत जरूरत को ही पूरा, गलत सही। तो यहां भी इंसान चिंता करता है ये परमात्मा हमने क्या गलती किया, हालांकि इंसान हमने पहले ही बोल दिया गीता में क्या लिखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगतो स्वकर्मणि। नहीं मानने वाले को छोड़ दिया, नहीं मानने वाले तो अपने बाप को भी नहीं मानते हैं, गलत सही। लेकिन गीता की इस लाइन को सभी धर्म के लोग स्वीकार करते हैं कि इंसान को कर्म का फल मिलता है, कर्म अच्छा होगा नहीं फल भी क्या होगा अच्छा। कर्म यदि बुरा होगा तो गारंटी है जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा टॉप करेगा, अब पढ़ेगा ना मंदिर मस्जिद जाकर माथा टोकेगा तो अल्लाह या भगवान तुम्हारे नाम पर परीक्षा देने आएगा, परीक्षा तुम्हें खुद देना पड़ेगा। विद्यार्थी को मंदिर मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है? विद्यार्थी का तो सबसे बड़ा मंदिर उसका विद्यालय, और सबसे बड़ा ये जो कहते फूल उल है उसका कलम कॉपी किताब है, उसी को हर दिन पढ़ना है। फूल के डाली लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पन्ना पलटने की जरूरत नहीं, गारंटी सफल हो जाएगा। तो प्रश्न है आर्थिक असमानता भी चिंता का कारण बनता है। उसके बाद परिवार का अशांत माहौल, परिवार का अशांत माहौल। आप जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार में माहौल अशांत है, हमेशा परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा मारपीट होते रहता है, माता पिता लड़ते झगड़ते रहते हैं, पिताजी चाचाजी से लड़ते झगड़ते रहते हैं। भले आप यहां बैठे हो क्लास करने लेकिन दिमाग हर ही होगा, कई बातापाती हो रहा होगा, मम्मी पापा मैं वहां छोड़ के चले गए यहाँ तो क्या घटना घट गया होगा, कहीं कुरुक्षेत्र का मैदान तो हमारा आंगन नहीं भर गया, चिंता होती है ना। तो जिस घर में माहौल अशांत रहेगा उस परिवार के गारंटी बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसका दिमाग आधा से बेसूसी पर रहेगा और यहाँ चिंता होगी बीमारी हो जाएगा। प्रश्न याद न होना भी बीमारी का रीजन है, प्रश्न याद न होने के पीछे भी कई कारक, उसमें तुम्हारे परिवार का अशांत माहौल और पिता की आर्थिक स्थिति भी तुम्हारे लिए जिम्मेदार कारक बनता है। अब कहिएगा तो सर निदानों का उपाय बता दीजिए, दुश्चिंता का निदान कैसे होगा? निदान मतलब दुश्चिंता समस्या है तो समाधान कैसे होगा, गलत किसे? ऐसी कोई रोग है जिसकी दवा ना हो? हर समस्या का समाधान है यदि आप समय से समस्या का समाधान करने वाले के पहुंच जाते हैं तब।
हम कहो कि सर समस्या का समाधान बोले हैं कोनो लड़का परीक्षा के चार दिन पहले आदमी से कमा के ओकर समस्या का समाधान कैंसर के फर्स्ट स्टेज में इलाज है, थर्ड में तो मरबे करते। हाँ परमात्मा चाहे तो कुछ हो सकता है। तो हर समस्या का क्या समाधान है और दुश्चिंता का पहला तरीका उपचार करने का औषधि क्या है? आप दवा देकर बार बार चिंतन मन में हो रहा हो कुछ ऐसे नींद की दवा लेके सोता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो नींद की दवा लेता है तभी उसको नींद आ जाता है, तनाव उसके लाइफ में इतनी समस्या उसके लाइफ में नहीं लेगा तो नींद नहीं आएगा। हालांकि 80% लोग शराब का सेवन करते हैं आदत के कारण, लेकिन 10% ऐसे भी लोग हैं जो अपने चिंता के कारण शराब पी लेते हैं। चिंताएं कम नहीं, दुश्चिंता कम नहीं हो रही है, पारिवारिक समस्या ज्यादा है, समस्या कारण उसके रात में नींद होता है, थोड़ा सा शराब ले लेंगे तो नींद आ जाएगा। हमने कहा ऐसे लोग कितने हैं? 10% है। 90% लोग ब्यौरा ऐसा ही है, झूठों के कहता ये है वो, शराब पीने से थकान दूर नहीं होती है, नहीं वो मन का बदमाशी है। उसके बाद दूसरा तरीका होगा मनोचिकित्सा। क्या होगा? मनोचिकित्सा। तुमको अपने मन का उपचार करवाना होगा। तीसरा होगा मन का विश्लेषण। मन का क्या करना पड़ेगा कि तुम्हारे मन में चिंता काहे होता है? साइकोलॉजिस्ट कह देगा सब कि चिंता उत्पन्न होने के रीजन क्या है और तुम्हारे मन में बार बार क्या होता है। तो हमने मनोवैज्ञानिक विकार में दो को पढ़ लिया, पहला काय रूप विकार, दूसरा दुश्चिंता विकार। एक और पढ़ते हैं, तीसरा जो विकार है नाम है असंगत भय। क्या है? असंगत भय। इसका अन्य नाम है दुर्भीति। अन्य नाम क्या है? हाँ दुर्भीति। असंगत भय या दुर्भीति। तो मन में प्रश्न होगा कि असंगत भय है क्या? मैं किसी का नाम लेके मजाक का पात्र नहीं बनाने जा रहा हूं, लेकिन आप सोचिएगा, अपने मन में विचार करो, आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं, आपके कुछ ऐसे मित्र हैं जिनको अनहार में डर लगता है, साँझ होने पर छत पर जाने से डर लगता है, सुनसान जगह पर जाने से डर लगता है, और किसी खास प्रकार के वस्तु या खास प्रकार के जीव जंतु की नाम का डर लगता है। जिस लड़की को तेलचाटा गिरगिट से बड़ा डर लगता है, वो निकल जाएगा क्या? बोलो, डर तो सबको सबसे लगता है। ऐसा जो मैं बोला इस बात को स्वीकार करें ना कि आप सब में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें किसी न किसी चीज से डर लगता है। जैसे मुझे याद है बचपन में हमें तार का जो ये होता था ना, लोग डराता था हमको, सांप जैसा ये करता था उसका जो बाल तार का, ये जानना है कुछ नहीं करेगा लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखता था, इसलिए डर लगता था। बड़े हो गए डर टूट गया, गलत सही। तो प्रश्न है कि असंगत भय, वह भय जो तार्किक नहीं है, अनार में जाएंगे तो क्या भूत थोड़ी ना होगा? अरे भूत क्या है? भूत एक प्रकार का भय, भूत एक प्रकार का क्या है? डर है। जो कहां बैठा है मन में, गन्हार में थोड़ी ले खड़ा, ये इतना दिखा फुलता थोड़ी ना है, ये तोरे पकड़ के वो कहां लेके जाएगा? वो तुमसे काम थोड़ी नहीं करवाएगा, वो तुम्हारे मन में है। तो आपने ऐसा कुछ लोगों को देखा होगा जो अनायास ही सुनसान जगह पर जाने से, अकेला रहने से, गलत सही, या किसी वस्तु को देखकर, किसी जगह को देखकर, किसी कीड़ा को देखकर, किसी पशु को देखकर डरता है। तो उस डर से भी एक प्रकार का क्या होता है? रोग हो जाता है। तो डर से होने वाले रोग को दुर्भीति या असंगत भय के नाम से जाना, गलत सही। डर को अंग्रेजी में कहते हैं फोबिया। क्या कहते हैं? फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब क्या होता है? डर।
अब कहता है ये फोबिया जो है यह तीन प्रकार के होते हैं, जो डर जो है कई प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन है, विशिष्ट दुर्भीति, विशिष्ट दुर्भीति। दूसरा कौन है, सामाजिक दुर्भीति, और तीसरा कौन है, विवृति दुर्भीति, विवृति दुर्भीति। अब कहता है कि दुर्भीति अर्थात डर क्या है, व्यक्ति के जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर जाने से, सुनसान जगह पर जाने में या अकेला रहने में गलत सही डरा महसूस करता है, तो उसी को हम कहते हैं असंगत भया दुर्भीति या फोबिया डर। तो ये जो डर होता है कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के डर होते हैं। कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के डर। पहला कौन है, विशिष्ट। पहला कौन डर है, विशिष्ट दुर्भीति। क्या है विशिष्ट दुर्भीति, तो किसी जानवर से, किसी वस्तु से या अंधेरा कमरा में जाने से यदि आप डरते हैं तो उसे क्या कहते हैं, किसी वस्तु से यदि आपको डर लगे, अंधेरा कमरा में जाने से आपको डर लगे, या किसी खास जानवर तो बहुत है, कीड़ा तो होते हैं, भुइला से हमको भी देखे थोड़ा सा मन सा हो जाता है, जो जोक से भुइला जो बाहू बाल होता है इसी से लमड़ लमड़ चलता है, उसको देखे थोड़ा सा, हालांकि ये नहीं उसको देखे भाग जाता, थोड़ा मन दूसरी टाइप का हो जाता है। उम्मीद है आप में से बहुत कैसा होता हो, चार सोता नहीं, चार सोता ये आता है गंदगी के लगा, लेकिन जोक से अलग प्रकार का बात होता है, गलत सही। तो प्रश्न क्या है, किसी सुनसान जगह पर जाने से, अंधेरा कमरा से, या किसी खास कीड़ा मकोड़ा या जानवर से यदि आपको डर लगता है तो उसे क्या कहोगे, क्या कहोगे, विशिष्ट दुर्भीति। दूसरा कौन है, आप सब जंगल में रहते हैं कि समाज में है, समाज में रहते, खड़ी हो, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, छह, कौन कौन, अच्छा भाई जी, पापा, मम्मी और पांचों को, मम्मी पापा भाई जी, हम तो चार, कह वो चारे को, भाभियों एगो बहुओ, चलो तो तुमसे एक प्रश्न है, आई दुबे के तो साइडे कर दो, एगो भाभी है एगो बहुआ के बात छोड़िए दो, बहुआ तुमसे ही डरता होगा, बचा तुम्हारे लाइफ में कई आदमी, तीन आदमी में से कौन सा डर लगता है तुमको, कौन सा भाई, सीधा बैठ जा। मैंने कहा कि सामाजिक, आप समाज में रहते हो, हमारे से डर ना लगता है, हमारे नावे नहीं ली, नहीं लगता है, लगता है अपन, हम इसके परिवार का मांग थोड़ी ना, लेकिन इसके लाइफ का अंग तो हूं, समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, तो परिवार में यदि किसी सदस्य से आपको डर लगे, मम्मी है तो कोई कार्यक्रम टीवी वैसे ही चलते खुलो देखे, पापा आ गया तो पहला ही गाड़ी का हॉर्न सुना, टीवी बंद, किताब खोल के बैठ नहीं, जैसे मेरे नहीं रहने पर हमारे बच्चे चलते दम चल रहा है टेलीविजन, कोई दिक्कत नहीं, जैसे गाड़ी का हॉर्न दबा, टीवी बंद, किताब वही जगह रखा सबके है, धाए धाए, देखिए टीवी पे कारें खरीदने से नौकरों देखे जी बेच लेते, पता चलता है छोटी वाली, पापा अभी ना सब बंद किए हैं, कोई भी चलिए रहा तो घर आ जाता है। तो प्रश्न है कि समाज, परिवार में, समाज में, कई बार नहीं कि हम अपने पापा भैया से डर लगता, पड़ोसी से भी डर लगता है, कई बार बड़े हैं उनका ये है, गलत सही। तो उस दुर्भीति को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ सामाजिक दुर्भीति। अगला कहना विवृति दुर्भीति, नया जगह पर जाने से डर लगता है, कई बार किसी नई जगह पर जाने से यदि आपको डर लगे तो उसे क्या कहेंगे, हम विवृति दुर्भीति के नाम से जानते हैं। अब इसको दूर करके निदान इसका भी है, क्या है इसका भी, बड़ी आसान निदान है कि पहली बात तो परिस्थिति का पता लगा लो कि हमको कुत्ता से काहे डर लगता है,
आप उस परिस्थिति का पता लगा लीजिए तो विशिष्ट दुर्वृत्ति खत्म होगा। भैया से काहे डरती है, इसलिए कहीं सर भैया से डरते हैं क्योंकि भैया कहते होंगे फरी ना पड़ते होगी, भैया कहते ना देख कम देख नहीं देखती होगी ना, ये तो चार छापर कई बार हाँ गीत उछ लिए होंगे गलत से लगता है गलती करते फिर पिटाई खाएंगे। ऐसा करो गलती है ना करे ना भैया पीट गलत से दुर्गति दूर हो जाएगा। नया जगह पर जाने से डर लगता है, नया जगह पर जाने से पहले तैयारी बढ़िया कर लेते हमको डर खत्म हो जाएगा गलत से। तो हमने तीन विकार पढ़ाया, काय रूप विकार, दुश्चिंता विकार और असंगत भय। बाकी जो रह गया मनोविदलन, भावदशा विकार, मनोदशा विकार, अगले क्लास में।